नारा बहुत ही अच्छा लगा है। मोदी जी ने तो कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और अल्पसंख्यकों के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। ये उनका कहना बहुत ही हमें अच्छा लगा है और इससे हमें यकीन भी है कि मोदी जी जो हैं अल्पसंख्यकों के लिए एक नया कार्य करेंगे, उन्हें लेकर साथ चलेंगे। नहीं, कुछ मुस्लिम तंजीमें कह रहे हैं कि 5 साल और अपना आराम से बिता लो, क्या कहेगा? नहीं, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि 5 साल वो आराम से बिठाएं, क्योंकि पिछले 5 साल भी बीजेपी की सरकार रही है और उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे मुसलमान भयभीत हों या मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचे। बल्कि कांग्रेस की सरकार हमने देखी है, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और सड़कों पर मुसलमानों का खून बहा, ये बात जो है मुसलमान आज तक नहीं भूला। और सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी कांग्रेस के वक्त में ही, जिसमें ये साबित हो गया था कि मुसलमान की स्थिति जो है वो दलितों से बदतर हो गई है। तो कांग्रेस ने उस कमेटी पे अमल नहीं किया, बल्कि उसे दबा दिया गया है। अगर कांग्रेस मुसलमानों की इतनी बड़ी हमदर्द होती तो कांग्रेस उस कमेटी को लागू कर दी। तो आप सहमत हैं उनके नारे से? हाँ, सहमत है। और मेरा कहना भी है कि बीजेपी को थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए, देना चाहिए, और इसे मुसलमानों को भी देखना चाहिए कि मुसलमानों के लिए क्या करती है।